हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम मुतादिज किचन रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ प्याज की बहुत ही टेस्टी डिलीशियस झटपट बनने वाली रेसिपी। जब भी आपका हरी सब्जी खाने का मन ना हो या कुछ अलग ही सब्जी खाने का मन हो तो इस प्याज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर ले लिए हैं और प्याज के छिलके को निकाल के इस तरह से मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और चॉपर की हेल्प से इनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और टमाटर को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये सब्जी रेस्टोरेंट में 250 से 300 के प्राइस में मिलती है, तो आज हम इसको बनाएंगे घर पे 30 से 40 रुपए की प्राइस में। और इस रेसिपी का नाम है मलाई प्याज की सब्जी, आप इसको प्याज की भुर्जी भी बोल सकते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल जब अच्छे से हीट हो गया है तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं ये फ्राई हो गया है, दालचीनी का जो टुकड़ा है वो भी ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जीरा। तो ये देखिए यहाँ पर जीरे का कलर चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज और ऑयल में प्याज को अच्छे से मिला लेंगे। और जैसे जैसे प्याज का पानी सूखेगा तो प्याज की क्वांटिटी भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर ऑयल में प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक प्याज को भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर जो हमने ये तेज पत्ता डाला था इसको हम निकाल देंगे क्योंकि इसका जो भी खुशबू थी वो प्याज में आ चुकी है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ टमेटो और अब यहाँ पर इसको भी प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लिया है तो अब रेगुलर मसाला ऐड करेंगे। तो 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और अब ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और लगभग 1 घूंट के करीब यानी कि 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने मसालों को प्याज में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इस प्याज को हम प्लेट से कवर करके लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ऑयल रिलीज़ होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद में हम चेक करते हैं तो प्याज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला भी हमारा अच्छे से पक गया है और आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का ऑयल भी प्याज पे दिख रहा है। तो यहाँ पर अब लास्ट में ऐड करेंगे मलाई। ये मैंने घर की फ्रेश मलाई ली है तो यहाँ पर मैंने ये 3 टेबल स्पून मलाई ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून किचन किंग गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो मलाई आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा मलाई ऐड करने से सब्ज़ी ज़्यादा मीठी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून मलाई ऐड की है और थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमें थोड़ी सी ये ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 से 2 मिनट के लिए सब्जी को पका लेंगे या इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए तब तक आपको सब्जी को पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी को पका लिया है और सब्जी हमारी एकदम बनकर तैयार है। जो हमने पानी ऐड किया था वो भी अच्छे से सूख गया है, तो ना तो ये ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार हुई है ना ही ज़्यादा ड्राई बनी है। तो अब लास्ट में ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बटर। तो रेस्टोरेंट में जो सब्जियाँ बनती है उसमें बटर ऐड किया जाता है जिससे कि सब्जियाँ बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपके पास में बटर ना हो तो आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार है और मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए रेस्टोरेंट में 250 से 300 के प्राइस में मिलने वाली सब्जी हमने घर पर 30 से 40 रुपए में बनाकर तैयार कर ली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी मलाई प्याज की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसको किसी के साथ में भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। जब भी आपका हरी सब्जी खाने का मन ना हो या कुछ भी अलग सब्जी खाने का मन हो तो आप ये मलाई प्याज की सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपका जो भी फीडबैक है मेरी रेसिपी को लेके तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है, ऊपर से मैंने डाल दिया है बटर
तो आपको मेरी आज की मलाई प्याज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।